क्लास एट के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज वीडियो क्लास का सेवेंथ पार्ट और हम लोग देखेंगे आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और जो इम्पॉर्टेंट ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। बार बार कहता हूँ, जहाँ नहीं समझ में आए फिर वीडियो को पॉज करना है, समझना है। ठीक है, तो आज देखेंगे एक्सरसाइज 2.4 का कुछ एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन 2.4 का एग्जांपल से है और एग्जांपल नंबर 14। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना है इसको। द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, क्वेश्चन है द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, मतलब टू डिजिट का कोई नंबर है। टू डिजिट का नंबर क्या हो सकता है? टू डिजिट नंबर हो सकता है जैसे 32, ये एक डिजिट हो गया, ये एक डिजिट हो गया, टू डिजिट नंबर है ना। ये इधर से राइट साइड से देखते हैं तो ये वंस डिजिट और ये टेंस डिजिट पता ही है, ये वंस प्लेस पे है और ये टेंस प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे और ये टेन प्लेस पे है। टू डिजिट का कोई नंबर है, दो डिजिट का कोई नंबर है। ठीक है, नंबर इज डिफर बाय थ्री, मतलब दोनों में थ्री का डिफरेंस है, दोनों नंबर में थ्री का डिफरेंस है। तो थ्री का डिफरेंस कैसे हो सकता है? सपोज करो ये थ्री है तो ये हो जाएगा 6, 36, तो दोनों में थ्री का डिफरेंस नहीं हो गया है ना। अगर सपोज करो ये थ्री तो दूसरा क्या हो जाता है? थ्री प्लस थ्री। तो यही करना है, वंस प्लेस लेट कर लिया डिजिट, समझ गया। तो यहां तक पहले देख लेते हैं क्या करना है। लेट द डिजिट वंस प्लेस बी एक्स, एक लेट किया एक्स तो दूसरा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस थ्री, दूसरा एक्स प्लस थ्री। ये तो यहां तक के लिए ठीक था, लेट किया। उसके बाद क्या है ना, इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड, मतलब डिजिट इंटरचेंज्ड हो जा रहा है। डिजिट इंटरचेंज्ड का मतलब क्या हुआ? वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो टेन प्लेस पे चला जाता है और टेन वाले वंस पे ही वंस पे चला जाता है ना, ये इंटरचेंज होता है। वंस प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस का बन जाता है और टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो वंस पे शिफ्ट हो जाता है, ये डिजिट इंटरचेंज्ड होता है, समझ गया, इंटरचेंज हो जाता है। एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, एडेड टू द ओरिजिनल नंबर मतलब जो नंबर फाइंड होता है इंटरचेंज करने के बाद ओरिजिनल नंबर में प्लस करते हैं तो आता 143। तो व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा? यही ना क्वेश्चन समझ में आ गया। दो डिजिट का नंबर है, दोनों के बीच में थ्री का डिफरेंस है और नंबर फिर फाइंड किया जाता है। नंबर फाइंड करने के बाद फिर डिजिट जब ट्रांसफर हो जाता है, इंटरचेंज होता है डिजिट, और फिर दोनों नंबर को प्लस किया जाता है। इंटरचेंज होने के बाद जो नंबर फाइंड होगा उस नंबर को और ओरिजिनल नंबर को जब प्लस किया जाता है उसका वैल्यू होता है 143। तो फाइंड करना ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। लेट द डिजिट ऑफ वंस प्लेस बी एक्स, दो डिजिट का नंबर है तो वंस और टेंस तो लेट करना ही पड़ेगा। लेट द वंस प्लेस डिजिट ऑफ वंस प्लेस बी एक्स एंड टेन प्लेस बी, कितना हो जाएगा? एक्स प्लस थ्री। ठीक है, एक्स प्लस थ्री, ये समझ में आ गया, एक्स प्लस थ्री। तो नंबर के लिए फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे आप बच्चे, सभी बच्चे को याद रखना है, नंबर इक्वल टू होता है, अगर टू डिजिट का नंबर रहे, टू डिजिट का नंबर रहे तो नंबर इज इक्वल टू होता है टेन मल्टीप्लाई टेंस प्लस वंस, टेन मल्टीप्लाई टेंस प्लस वन। जैसे हम लिख लिया 36 लिखे थे, ये वंस और ये टेंस, देखो क्या करेंगे, टेन मल्टीप्लाई टेंस और प्लस वंस, प्लस वंस, इसको सॉल्व करते हैं तो टेन मल्टीप्लाई थ्री और प्लस सिक्स, तो 36 नहीं आ जाता है, आ जाता है ना। बस वही फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है, समझ में आ रहा है, सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई किया, तो 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लस वंस, तो 10 मल्टीप्लाई टेंस क्या है? एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री हो गया 10, तो 10 मल्टीप्लाई टेंस, तो
प्लस वंस, वंस क्या है एक्स है, प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करो तो 10 तो दोनों से मल्टीप्लाई है, एक्स से भी और 3 से भी, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स तो 10x, और 10 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 30 प्लस एक्स। एक्स वाला टर्म जो है लाइक टर्म प्लस हो जाएगा, 10x प्लस एक्स 11x और प्लस 30। यहाँ तक समझ में आ गया, ये नंबर फाइंड हो गया, डिजिट लेट किया अब नंबर फाइंड हो गया। इसके बाद कह रहा है ना नंबर डिजिट जो इंटरचेंज होता है, तो डिजिट को इंटरचेंज करके देखते हैं और फिर नंबर फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, फिर इसको मिटाते हैं। ठीक है बच्चे, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था ये नंबर फाइंड हुआ, ठीक है, ये नंबर फाइंड हुआ विदाउट इंटरचेंजिंग द डिजिट। अब क्वेश्चन में कह रहा था अब डिजिट को इंटरचेंज करना है, मैंने यहाँ पे ये एरो साइन दिया है, मतलब यहाँ से ये छुटा था और फिर यहाँ पे एरो साइन दिया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस दोनों के स्टेप को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन ला देंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे इजिली। अब देखो क्या लिखा, आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, डिजिट इंटरचेंज हो जाएगा तो वंस क्या हो जाएगा, वंस था पहले एक्स तो ये हो जाएगा वंस, इंटरचेंज हो रहा था मतलब टेंस बन जाएगा वंस, वंस बन जाएगा टेंस, तो वंस क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा एक्स प्लस 3 और टेंस हो जाएगा एक्स, ठीक है। अब इससे देखो ये वंस हो गया टेंस हो गया, तो न्यू नंबर क्या बना, न्यू नंबर बना, फिर न्यू नंबर का फॉर्मूला होता है 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लस वंस, ठीक है ना, 10 मल्टीप्लाई टेंस प्लस वंस, तो 10 मल्टीप्लाई 10, 10 क्या है x, तो 10x प्लस वंस x प्लस 3, x प्लस 3, ये प्लस कर दिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया एक नंबर और ये हो गया दूसरा नंबर न्यू नंबर, दोनों नंबर को प्लस करने पर आता है 143, यहीं से इक्वेशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है, तो बने रहो, पॉज नहीं करना है। देखो यहां से क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं, ये था ना 11 square 30, पहले क्या नंबर था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले नंबर था यही ना 11x plus 30, अब ये न्यू नंबर क्या आ गया 10x प्लस एक्स प्लस 3, ये क्या आया था 143। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व करेंगे 11x 10x कितना x, ये भी तो है 10x प्लस x, 11 11 22x, ठीक है, 30 plus 3 तो 33 इज इक्वल टू 143, ये 22x इज इक्वल टू 143 माइनस 33 कितना हो जाएगा, 3 में 3 माइनस होगा 0 तो 110 ना, 22x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 110, तो ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 फॉर्म में डिवाइड करेंगे इसको, तो x 22 जब डिवाइड होगा तो 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो गया 5। तो x मैंने क्या लेट किया था, x क्या लेट किया था, x लेट किया था वंस डिजिट, ये हो गया वंस ना, अब लिख देंगे देयरफॉर वंस digit is equal to 5 and tens digit equal to कितना हो जाएगा, x plus 3 था मतलब 5 plus 3 is equal to 8, दिख रहा ना वहां तक, is equal to 8, तो original number find कर रहा था ना, लिख देंगे ना original number इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 प्लस 1 मतलब 10 इंटू 8 प्लस 5, ये दिख रहा है नीचे इक्वल टू 85, ये हो गया आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व कर दिया हूं क्योंकि जरूरी भी था कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि ये क्वेश्चन
जब भी आता है ना स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, समझ में आ गया होगा सॉल्व किया है, जहाँ नहीं समझ में आया फिर वही करना है, और जहाँ भी नहीं समझ में आए स्टेप बाय स्टेप पॉज करके आप जरूर देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो लास्ट एग्जांपल अब हम लोग देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 15, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे एक्सरसाइज का, फिर होमवर्क के लिए देंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, अर्जुन श्रेया के एज से डबल एज का है ना, अर्जुन का एज श्रेया के एज का 2 गुना है। ठीक है, उसके बाद 5 ईयर्स अगो मतलब 5 साल पहले, हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रेयाज एज, मतलब 5 साल पहले अर्जुन का एज श्रेया के एज का 3 टाइम्स था, लेकिन प्रेजेंट में 2 टाइम्स का है, तो फाइंड करना है दोनों का प्रेजेंट एज। तो अननोन टर्म को फाइंड कर ले, अननोन टर्म को हम लोग लेट करेंगे, तो किसका नहीं पता है, श्रेया का लेट कर लेते हैं पहले, तब तो अर्जुन का ट्वाइस है तो ट्वाइस से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट कर लिया, श्रेयास प्रेजेंट एज भी एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, तो अर्जुन का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, अर्जुन का हो जाएगा 2x क्योंकि ट्वाइस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब बोला 5 साल पहले, 5 साल पहले इसको मत देखना पूरा है, ये तो एक्चुअली मैं सॉल्व कर दिया हूँ, 5 साल पहले क्या करेंगे, दोनों में 5 5 ईयर्स माइनस कर देंगे, पहले ये क्या श्रेया कितनी थी, श्रेया थी एक्स ईयर्स की, ये ईयर्स लिखा हुआ है, वाई मत पढ़ देना इसको, एक्स ईयर्स, तो 5 साल पहले करेंगे, तो जैसे 5 साल बाद करते थे तो +5 करते थे, तो x-5, अर्जुन भी हो जाएगा, अर्जुन अभी कितना है 2x ईयर्स का, तो 5 साल पहले 2x-5। अब बोला कि ये 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स ये था ना, मतलब बड़ा कौन है, ये तो बड़ा है मतलब 3 गुना तो यही था, तो बैलेंस्ड करने के लिए जो कम होता उसको हम करेंगे ना, तो बैलेंस्ड कब होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 टाइम्स है, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये दोनों बैलेंस्ड हो गया, मतलब इक्वेशन सेट हो गया, क्लियर है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x, तो 3x 3 मल्टीप्लाई 5 -15 इज इक्वल टू इतना, इसके आगे तो आप सॉल्व करना ही जानते ही हो, 2.3 में पढ़े ही हैं, तो आगे सॉल्व कर लीजिएगा, एक एक्सरसाइज पे अब हम आते हैं। आप ठीक है बच्चों, अब एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं, क्यों एग्जाम्पल्स तो कंप्लीट कर दिए, एग्जाम्पल समझ भी गए हैं, अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिख भी दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, अनीता थिंक्स ऑफ ए नंबर, अनीता एक नंबर सोचती है, ठीक है, पता नहीं कौन सा नंबर सोचती है, ये तो मालूम है नहीं, अनीता थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, जितना नंबर सोचती है ना उसमें 5/2 को माइनस कर देती है, 5/2 को माइनस कर देती है, सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8, मतलब माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें 8 से फिर मल्टीप्लाई कर देती है, समझ में आया, एक नंबर सोची और उसमें 5/2 को 5/2 को माइनस कर दी और फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दी, नाउ द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ, ना जो नंबर सोची थे ना मल्टीप्लाई करने के बाद जो वो 3 टाइम्स हो जाता है जो नंबर पहले सोची थी, बहुत ज़्यादा इधर उधर कंफ्यूजन हो रहा है, तो करना क्या है, देखो अपनी भाषा में कहें तो क्वेश्चन जो कहे ना उसका शागिर्द बन जाओ, जैसे जैसे बोलते जाओ स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ वैसे ही, तो देखो हम कैसे करते हैं, तो जो नंबर सोचिए पता तो है नहीं, लेट कर ले, लेट द नंबर सी थॉट ऑफ थॉट बी एक्स, जो नंबर वो सोची है नहीं पता है, लेट कर लिया एक्स, एक्स मैंने लेट कर लिया, ये एक्स लेट कर लिया, ठीक है, एक्स मैंने लेट कर लिया, कौन सा नंबर सोची है नहीं पता है, अब कह रहा है ना 5/2 उसमें माइनस करता है, तो x-5/2 कर दिया, फिर कह रहा है 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक है होल में रिजल्ट तो पूरा है, रिजल्ट तो पूरा है ना, इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दिया,
उसके बाद कर रहा है तो रिजल्ट आ गया 8 से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा, ये टोटल रिजल्ट हो गया। अब कहता है ना कि ये जो नंबर आया वो ओरिजिनल नंबर का मतलब पहले वाला नंबर का जो सोची थी, सोची क्या थी, सोची थी एक्स ना अनिता, हाँ लड़की ही है सोची थी एक्स, तो एक्स अब 3 times हो गया है, 3 times यहाँ लिखा हुआ है एक्स 3 times है, तो 3x अब ये इक्वेशन बन गया। अब 8 से देखो ये दोनों मल्टीप्लाई है, 8 से एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 8x, और 8 से 5/2 भी मल्टीप्लाई होगा, 5/2 मल्टीप्लाई 8, 2 8 4 times में कैंसिल इज इक्वल टू 3x। अब देखो 8x 5 4 20 -20 इक्वल टू 3x, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, ठीक है। x वाले टर्म को एक साइड कर देना है तो 8x और 3x इधर आ जाएगा, तो प्लस में है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 8x -3x, 20 उधर शिफ्ट कर दो, ये माइनस में है और RHS में जाके माइनस होता प्लस हो जाएगा, 3 को इधर किया 3x को और 20 को उधर किया, 20 उधर जाके प्लस हो गया, 3x इधर आके माइनस हो गया, तो 8x -3x इज इक्वल टू 5x, ये 20 और 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से 20 कैंसिल हो जाएगा 4 times में, x इज इक्वल टू आ गया 4, therefore द नंबर सी थॉट ऑफ 4 आंसर, समझ में आ गया। तो ये तो शुरुआत हो गया एक्सरसाइज 2.4 का, आप सभी बच्चे पहले एक्सरसाइज 2.0 सॉल्व करेंगे, फिर जो क्वेश्चन डाउट होगा आप उसको लाइव क्लास में पूछेंगे, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सभी मतलब क्या एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चंस का इक्वेशन सेट करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो फिर बने रहिए, मिलते हैं।